to my future fashion designers. Welcome to this channel, NG Designing and Arts. आज की वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कश्मीर की एक झलक कसीदा एम्ब्रॉयडरी के जरिए। इस एम्ब्रॉयडरी को थ्रेड और बीट्स के जरिए किया जाता है, जिसमें फ्लावर, बर्ड्स, ट्रीज जैसे नेचुरल मोटिव्स का यूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक क्रॉकी ड्रॉ कर लिया है रफल टॉप एंड स्कर्ट में। सबसे पहले मैं टॉप को रेंडर करूंगी, उसके लिए मैं यहाँ पिंक कलर का यूज कर रही हूँ। जब तक टॉप ड्राई हो रहा है तब तक हम इसका रेंडरिंग कर लेंगे। रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैंने जो पिंक कलर यूज़ किया है उसमें वाइट कलर ऐड करके, यानी पिंक का थोड़ा लाइटर शेड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। पिंक में थोड़ा ब्लैक ऐड करके इसका डार्कर शेड बना लेंगे, और इस तरह से जो फोल्ड्स अंदर की तरफ जा रहे हैं उसको हमें डार्कर शेड में रखना होता है, एंड जो फोल्ड्स बाहर की तरफ आ रहे हैं वो लाइट होते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसे रेंडर कर लेंगे। यहाँ हमारी टॉप की रेंडरिंग कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम कट में फोल्ड्स की रेंडरिंग करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ ग्रीन में थोड़ा ब्लैक ऐड करके एंड उसका डार्कर शेड प्रिपेयर कर लिया है, एंड अब इसकी हेल्प से मैं जहाँ जहाँ मुझे फोल्ड्स समझ में आ रहे हैं वहाँ वहाँ मैं ड्रॉ कर दूँगी। स्कर्ट में भी कुछ फोल्ड्स आगे आ रहे होते हैं, कुछ फोल्ड्स अंदर जा रहे होते हैं। तो जो अंदर जा रहे होते हैं वो डार्क होते हैं, और जो बाहर होते हैं वो लाइट होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम इसको रेंडर कर लेंगे। यहाँ मैंने टॉप और स्कर्ट को रेंडर कर लिया है। अब हम इस पर कसीदा एम्ब्रॉयडरी को ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ ये मोटिव का यूज़ करने वाली हूँ, इसको मैं स्कर्ट पर ड्रॉ कर लूँगी। हाँ, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो ज़रूर करिएगा, एनजी डिजाइनिंग एंड आर्ट्स को, जहाँ पे मैं फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड डेली क्वेश्चंस अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप निफ्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, निफ्ट गेट एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं, या फिर आप किसी भी फैशन डिजाइनिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर फैशन डिजाइनिंग में कुछ तो इंटरेस्ट होगा ही, तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉलो करना, क्योंकि वहाँ से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं।
लिंक मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ मैंने मोटिव ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसकी रेंडरिंग करेंगे। रेंडरिंग करने के लिए मैं सबसे पहले फ्लावर्स को रेंडर करूंगी, उसके लिए यहाँ मैं पिंक कलर का यूज कर रही हूँ। एंड मैं अब लिप मोटिव को रेंडर करूंगी, उसके लिए मैं यहाँ येलो कलर यूज कर रही हूँ। फिर अब मैं यहाँ ब्लैक पेन की हेल्प से आउटलाइन कर रही हूँ ताकि एक और भी उभर के लुक आ सके। कासीदा एम्ब्रॉयडरी को रेंडर करते टाइम आपको ये बात ध्यान रखनी होती है, कलर के डिफरेंट शेड्स यूज़ करने होते हैं। अगर आप एक शेड यूज़ कर लोगे ना सही रियलिस्टिक लुक नहीं आएगा, बट आपको डिफरेंट शेड्स यूज़ करने होते हैं, जैसे कहीं डार्क फिर लाइट ऐसे शेड्स यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले पिंक से फ्लावर जो ड्रॉ किया था उसको मैं यहाँ रेड पेन की हेल्प से, जो कि डार्कर शेड की तरह शो होगा, तो उसकी हेल्प से मैं इसको ऐसे आउटलाइन कर दूँगी ताकि ये एकदम रियलिस्टिक लुक आ सके। तो इस तरह से हमारी कासीदा एम्ब्रॉयडरी की रेंडरिंग कंप्लीट होगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा।